आजकल इतनी गर्मी है, इतनी धूप है कि पूछो मत, हालत खराब हो गई यार। घर से स्कूल आते आते मैं तो पसीने से भीग गया यार। तो इतना टेंशन यहाँ कह रहे हैं सर, 2 मिनट बाहर धूप में खड़े हो जाइए ना, पसीना तुरंत सूख जाएगा सर। वैसे गर्मी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है सर। नाइंसाफी? वो कैसी बे? देखिए ना सर, हर मौसम पे कवियों ने क्या खूब कविताएं लिखी हैं, बसंत ऋतु पे, वर्षा ऋतु पे, लेकिन किसी ने ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के मौसम पे घेरा तक नहीं लिखा है सर। ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या है? हाँ, कह तो तुम ठीक ही रहे हो, गर्मी के साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। वही तो सर, गर्मी हमें क्या नहीं देता है, गर्मी में हमें आम मिलता है, लीची मिलती है, सबसे ज्यादा शादियाँ भी गर्मी के मौसम ही होती हैं सर। वैसे गर्मी में शादी करने वालों को मेरी सलाह है कि वो अपने बेडरूम में एसी जरूर लगवा लें, वरना ऐसा ना हो कि आपके अंदर की आग और बाहर की आग आपकी सुहागरात को पसीने से तरबतर कर दे, है ना सर? इसीलिए मैं कहता हूँ कि गर्मी का हमें सम्मान करना चाहिए, आखिरकार हमारे देश में सबसे ज्यादा चलने वाला मौसम गर्मी ही तो है। अब देखिए ना सर, मैंने तो एक लाइन इस पर बना भी डाला, दुआ करते हैं सर कि आपको आपकी हर चाहत मिले, दुआ करते हैं सर कि आपको आपकी हर चाहत मिले, एक एसी तो लगवा दो क्लासरूम में, गर्मी से थोड़ी राहत मिले। वाह 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 वा, क्या बात है। तो चलो आज इसी बात पर हम गर्मी के सम्मान में गर्मी के ऊपर दोहे, कविता और शेर व शायरी करेंगे। सर मैं कुछ सुनाऊं? हाँ हाँ जरूर सुनाओ। तो अर्ज है, इतनी तेज धूप में गीली स्कर्ट 2 मिनट में सूख जाती है। अरे मगर स्कर्ट गीली हुई ही क्यों? पैड इस्तेमाल नहीं किया था क्या? ए बकवास बंद करो। अरे शीला बेटी, तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम अपनी लाइन पूरी करो। इतनी तेज धूप में गीली स्कर्ट 2 मिनट में कड़क जाती है। वाह वाह क्या खूब कहा है, 2 मिनट में कड़क जाती है। वाह, इतनी तेज धूप में गीली स्कर्ट 2 मिनट में कड़क जाती है। और धूप में खड़ी साइकिल की सीट पे बैठने से गांठ कड़क जाती है। सर ये बदतमीज मुझे बोलने नहीं दे रहा। ए रजुआ, तुम बीच में कूदा फांदी काहे कर रहा है बे, तुम्हारा जब टाइम आएगा तब बोलना। तुम बोलो शीला बेटी। सर मैं कुछ और सुनाती हूँ, सुनाओ। हाँ हाँ सुनाओ। आम के आम, गुठलियों के दाम। वाह क्या बात है, आम के आम भी और गुठलियों के दाम भी। वाह, आम के आम, गुठलियों के दाम। अभी काफी छोटे हैं शीला के दोनों आम। क्यों शीला, थोड़ा खाद पानी दिया करो, आम जल्दी बड़े हो जाएंगे। ए बकवास बंद करो। ए रजुआ, तुम बड़ा फनफना रहा है रे, तब से बीच में ऐसे कूद पड़ता है कि जैसे तुम गाली पर नाती है। सर गाली तो नाती ना सही, पर उससे कम भी नहीं है। अच्छा तो चलो तुम ही सुना दो कुछ गर्मी पे एक दो शेर शायरी। तो सुनिए, अर्ज किया है, उड़ने दो इन शोख परिंदों को हवाओं में ए गालिब। वाह क्या बात है, शोख परिंदे हवाओं में, अब मतलब शीतलता का एहसास आ रहा है भाई। वाह वाह, उड़ने दो इन शोख परिंदों को हवाओं में ए गालिब, जब लू से गाड़ी जलेगी तो खुद ही घर लौट आएगी।